झाड़ी गांव में रहने वाले सुखदेव सरकार के घर में लगी भीषण आग। गृह स्वामी ने बताया कि मैं शक्ति फार्म जा रहा था, तभी रास्ते में मेरे पास फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में आग लगी है और घर का सारा सामान जल चुका है। इसी के साथ गांव में रहने वाली एक महिला ने भी बताया कि हम इनके पड़ोसी हैं, आज बहुत तेज आग लगी थी, हमने प्रयास किया कि आग बुझा दें लेकिन आग इतनी तेज थी कि हम बुझाने में असमर्थ रहे। और गृह स्वामी कपड़े, टीवी, अलमारी, फ्रिज व महंगा सामान और घर में रखे पैसे सब जल गए। उपस्थित ग्राम उप प्रधान ने बताया कि सुखदेव एक गरीब आदमी है, हम चाहते हैं कि इस गरीब व्यक्ति को बहुत ही नुकसान हुआ है और सरकार ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की मदद करे। ठीक है, मेरे घर में आग लगने का कारण ये था, मैं घर से 15 या 20 मिनट हुआ है मैं गया हूँ, अरे एक नंबर तक पहुँचा, उसके बाद गांव वाले का फ़ोन आया, घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था और उसके बाद फ़ोन आया मेरे पास कि घर पे आग लग गया। तो घर तक आते आते मेरे सब सामान जल के राख हो गए थे, नुकसान बहुत का हो गया, जो मेरा सामान का सब नुकसान हुआ, थोड़ा सरकार से थोड़ा मदद मिलेगा, मदद चाहिए। नाम रेखा अधिकारी, अमरा मैं इनका पड़ोसी हूँ, ये घर पर नहीं था तो हम लोग आग जब ऊपर से जल रहा था तो हम दौड़ के इनके घर पे आया, तो इनके घर में जो था एक फ्रिज था, टीवी था, पूरा सब जल गया, मगर जो अलमारी था उसमें पैसा भी था, पता नहीं और क्या क्या था, हम तो पड़ोसी है हमें तो पता नहीं है, मगर जो हमने देखा उसमें कपड़े था सब चिपक गया, कपड़े वपड़े कुछ नहीं है, बच्चे का भी नहीं है घर में, फिर चावल था वो भी जल गया, पूरा कुछ भी नहीं बचा इनका। झाड़ी उप्रधान हूँ, मेरे पड़ोस में ये भाई का घर है, ये भाई घर पे था नहीं, पता नहीं कैसे आग लग गई, हमें जब ऊपर छप्पर में दिखाई दिया तभी आग, तब हम लोग आए, खुद मैंने मुआवजा किया, पूरे सामान जल गए, कोई चीज़ बचे नहीं है, खाने के लिए चावल तक नहीं है, कपड़े उपड़े, फ्रिज, टीवी, सब कुछ जल गया, पैसा वैसा कुछ नहीं बचा है। अब हम अनुरोध करते हैं कि सरकार से इस भाई को कुछ अनुदान मिल जाए तो ये अपना आगे के जीवन में वो करते रहे, यही बात तक कह के मैं समाप्त करता हूँ।